की जिंदाबाद, देश की मजबूरी है। हालांकि मुझे मालूम है कि आज आप लोगों का त्योहार भी है, धनतेरस कल भी है, परसों भी है, कि कल मेरा दौरा छत्तीसगढ़ में था, दो चुनावी जनसभाएं थी, और कल मेरे सगे छोटे भाई की लड़की की शादी थी, लेकिन मैंने नहीं, मैंने पार्टी को प्राथमिकता दी। वाह, तो इसलिए आप लोगों को ये जो त्योहार वगैरह है, आप लोगों को ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। करता हूं कि माननीय बहन जी का स्वागत अभिनंदन तालियों की कड़कड़ से करने का काम और मैं देश के वरिष्ठ और विधानसभा लहार के प्रत्याशी श्री रसराज सिंह जी बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व माननीय बहन जी को हाथी भेज कर माननीय बहन जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। भाई साइड में, हेलो साइड में जाओ भैया, साइड में जाओ। और मैं प्रणाम बहन जी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि हमारे बहन जी आप आकर के अपने ख्याल रखें। आलिया बहन जी हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, और उससे मुझे लग रहा है जो मैंने महिलाओं की जो तादाद देखी आज की चुनावी जनसभा में, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी महिलाएं तो वोट वाले दिन पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, उससे आगे बढ़ चढ़ कर वोट में हिस्सा लेंगी। और मुझे आप लोगों के भीड़ को देखकर, इकट्ठ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना चाहते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कि आज आप लोगों का त्योहार भी है, धनतेरस कल भी है, परसों भी है, और आप लोग फिर भी अपने त्योहार वगैरह छोड़कर यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं। हालांकि आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और माननीय श्री कांचीराम जी ने समाज को समाज के लिए कार्य करने के लिए तो बहुत कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत जीवन संघर्ष किया है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मेरा दौरा छत्तीसगढ़ में था, दो चुनावी जनसभाएं थी, और कल मेरे सगे छोटे भाई की लड़की की शादी थी, लेकिन मैंने नहीं, मैंने पार्टी को प्राथमिकता दी। वाह, क्योंकि ये चुनाव के समय में मेरा एक एक मिनट आप लोगों को देना प्राथमिकता के आधार पर बहुत जरूरी है, तो इसलिए आप लोगों को ये जो त्योहार वगैरह है आप लोगों को ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप लोगों को ठीक है, आप लोग मनाओ त्योहार जो भी करना है, लेकिन पार्टी का ध्यान आप लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रखना होगा। इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं बहुत ही मिशनरी आदमी हैं,
और जब से इनको स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया पूरे जी जान से मध्य प्रदेश स्टेट में बहुजन समाज को त्याग करने में लगे हैं, अन्य समाज को भी त्याग करने में लगे हैं। और इसके लिए मैं इनके साथ साथ यहाँ इनके अन्य और जो साथी हैं या स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि श्री आकाश आनंद ने भी यहाँ आपके प्रदेश को मेरे दिशा निर्देशन में काफ़ी समय दिया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा अंत में आप लोगों से यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने जिन भी उम्मीदवारों को आपके इस क्षेत्र में जो चुनाव के मैदान में उतारा है, मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, आप लोग हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाएं। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम जय।